पटना से कोलकाता जाना होगा आसान, इन शहरों को मिलेगा पूरा लाभ। बिहार और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की योजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार, झारखंड और बंगाल के कई शहरों को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। यह एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनेगी। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर होगी। बता दें कि यह पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक आने जाने के सफर को काफी आसान बनाएगा। साथ ही साथ देश के अन्य हिस्सों से कोलकाता आना जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि यह सड़क देश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा ये बनाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि इस सड़क की मांग बिहार के नेताओं की तरफ से की गई थी। बता दें कि बिहार में विकास को लेकर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि बिहार सरकार हमेशा केंद्र सरकार की मदद के बैठे ही बैठी रहेगी या फिर खुद अपना सामर्थ्य से कुछ दिखाएगी। इसके कुछ ही दिनों के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना और कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे का ऐलान कर दिया। पथ निर्माण मंत्री ने साफ साफ कहा कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सड़क होगी। सरकार बहुत ही जल्द इस सड़क पर काम शुरू करवाने वाली है। इस सड़क के बनने से पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत से कनेक्टिविटी मजबूत होगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत 18,000 करोड़ से भी अधिक होगी। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे में बिहार के 5 जिले शामिल है, जिसमें कि पटना का बख्तियारपुर, नालंदा का बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई का सिकंदराबाद चकाई, बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ होते हुए यह रोड ढालकुनी से आगे बढ़ेगी। परिवहन मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होगा। यह एक्सप्रेसवे पटना बख्तियारपुर होते हुए रजौली से निकलेगा। नालंदा बिहार शरीफ से इसका अलाइनमेंट अलग हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे जिस रास्ते से आगे जाएगा उस पर अभी कोई सड़क नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 450 किलोमीटर से भी अधिक पटना कोलकाता एक्सप्रेस बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित 6 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल राजमार्ग होगा। बता दें कि यह भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पुराने भीड़भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 के विकल्प के रूप में काम करेगा। इस पर सिर्फ भारी वाहनों का परिचालन होगा। तो एक तरह से कह लें कि पटना से अब सीधा कोलकाता जाना आसान हो जाएगा, वो भी सड़क मार्ग से, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये 550 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे होगी और सीधी एक्सप्रेसवे होगी। यहाँ जो है आपको किसी तरह की कोई जाम जैसी समस्या, या फिर अगर हम कह लें कि अभी अगर वर्तमान की बात कर लें तो जिस रूट से गाड़ियाँ चलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब जो है पूर्वोत्तर के राज्यों से सीधा कनेक्टिविटी बिहार का होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।